So yo Royal Family, welcome back to another gameplay of Resident Evil 4 Remake. आ चुके हूँ गाइस दोबारा से इस गेम को कंटिन्यू करने, एंड हर बार की तरह इस बार भी कह रहा हूँ कि गाइस जो भी नया चैनल पर सो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड गाइस जिसने भी इसके पहले के एपिसोड मिस कर दिया, देखे नहीं है कि क्या स्टोरी में हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में से एक बार चेकआउट कर लेना, वहाँ सारे मैं एपिसोड्स के लिंक दिए हैं जो भी मैंने इसके पहले अपलोड्स किए थे। तो गाइस क्या होगा कि स्टोरी आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी एंड हमारा भी काम हो जाएगा। तो गाइस जिसने भी लास्ट एपिसोड देखा है तो नहीं याद ही होगा कि गाइस लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था कि एसली और लियोन के अंदर जो पैरासाइड है वो काफी हद तक अब बढ़ गया है, मतलब लास्ट स्टेज पे ऐसा लग रहा है पहुंच गया है, क्योंकि लियोन को यहाँ पे पता नहीं लेकिन एसली ने लास्ट एपिसोड में अपने ऊपर से काबू खो दिया था इस वायरस के चपेट में ही आके। वो सब तो तब भी ठीक था, छोरी ने हमला अलग ही कर दिया था लियोन पे, वो भी चाकू से, वो तो अपना लौंडा बच गया जैसे तैसे लियोन। तो गाइस लियोन इसलिए फिलहाल में वही ढूंढने में लगे जुगाड़ कि इसे कैसे निकाला जाए अपनी बॉडी में से इस वायरस को। कभी जल्दी वायरस को बॉडी में से नहीं निकाला गया तो या तो मौत पक्की है, तो फिर भी हम जॉम्बी बन जाएंगे उन विलेजरों की तरह। तो गाइस देखते हैं क्या सीन होगा, आगे ही पता चलेगा। और एक और बात गाइस कि हमारा एक फ्रेंड है लुइस सेरा करके एजेंट है, उसके अंदर भी गाइस ये कहीं ना कहीं वायरस का, तो बंदे ने तो सीना चीर के अपने अंदर से वायरस निकाल लिया। पर लुइस बोल रहा था कि मेरे पास एक और तरीका है इस वायरस को निकालने का, तो बोल रहा था मुझे तुम कोर्टयार्ड में आके मिलना। तो फिलहाल में हम कोर्टयार्ड तरफ ही जा रहे हैं, लास्ट एपिसोड में तो वहां तक पहुंच नहीं पाए थे। कैसल ही भाई इतना बड़ा है, देखो एकदम भूल भुलैया ही हो रखा है। देखो एक तो गेम वाले एकदम सीधा सीधा रास्ते देते नहीं, बीच में तीन चार रास्ते देने जरूरी है कंफ्यूज करने के लिए भी गेम वाले यहाँ। अच्छा यहाँ पे सामने गेट तो है, लग रहा है यहीं से जाना है, लेकिन ये सीढ़ी का है कि अब यहाँ क्या करना है। अच्छा यहाँ लीवर दिया है कुछ, अबे इससे क्या हुआ, ये झंडे का है नीचे आ गए। ये बात तो मका भी मालूम छे छोड़ी कि झंडो नीचे आई गए, तो ये कुछ और बात बताना भाई कि यहाँ करना क्या है। अच्छा गाइस मुझे जहाँ तक लग रहा है कि तीन झंडे हैं, तो दो तो नीचे आ गए, ओ सॉरी एक तो नीचे आ गया, दो और लाने हमें, तीनों शायद नीचे आएंगे तब जाके मुझे जहाँ तक लग रहा है कि गेट खुलेगा मेन वाला। और मुझे गाइस ये भी लग रहा है कि ये जो मेन गेट है शायद हमें अब कोर्टयार्ड ही ले जाएगा, क्योंकि काफ़ी देर हो गई यार, मतलब हम कोर्टयार्ड तक नहीं पहुँचे। ओ भैया यार लूट है, लेकिन ये बोनस में सांप देने की क्या ज़रूरत है गेम वालों को, ऐसी चीज़ें मत रखा करो भाई डब्बों अब्बों में। पहले एक तो लियोन को ही काटते हैं, मुझे पता है एसली को भूल जाते हैं कि एसली भी आ रही है साथ में। दैट्स नॉट फेयर, बट कोई ना चलता है। यहाँ से भी कुछ भागा ना अभी, हाँ शायद कुछ भागा है यहाँ से, कुत्ता था कि भाई पता नहीं मकड़ा था। इसमें भी अलग ही प्रकार प्रकार के जानवर उन पाए जा रहे हैं, चलो देखते हैं। ओ भाई क्या बात है, हैवी ग्रेनेड मिल गया यार यहाँ तो, ये क्या हो रहा है। ओ भाई अबे क्या है, इनको जेल में किन्ने बांध के रखा था, ऐसे ये क्या पाल वाल रहे थे क्या इन कुत्तों को, तो ये समझ नहीं आया शुरुआत में इन्हें दो गोलियां चलाई फिर क्यों नहीं मरे, बटका ही भर लिया लियोन को। भैया इतना लाड़ प्यार मत दिखाओ, इसके बदले में लियोन तुम्हें मौत ही दे सकता है। तो ये समझ भी नहीं आता है कुत्ता है कि भेड़िया है, ना तो कुत्ते के इतने बड़े दांत होते ना भेड़िए के, पता नहीं कौन से मल्टीवर्स का कुत्ता है या भेड़िया ही है। देखो कीड़ा अलग निकला है इसके ऊपर से, ये मर क्यों नहीं रहा, इसके दोस्त तो सारे मर गए, ये इमॉर्टल कुत्ता है क्या भाई। कितना खतरनाक डैमेज दिया भाई उसने, पूरी 1 HP कर दी लिटरली। ये देखो इसके अलग ही चाले है, ये अलग ही अपनी नौटंकी करा करती, पूरा डैमेज मेरे को पड़ा और असली बैठ गई। काहे इतना आगे आगे भगना, जब पड़ती है तो पीछे आ जाती है असली। ओ भाई ये एंटरटेनमेंट कहाँ से निकल के आ रहा है, ये झाड़ी फूस में से, झाड़ी के पास रहने का अलग ही डर कि अब ये इसमें से निकल के आएंगे। ये देखो बंदे को, बेटा तू तो आ नहीं पाएगा क्योंकि सामने तो जाली है। ओ भाई गलत भाई, ये ऊपर से कहाँ से कूद के आ गया, मेरे को लगा नहीं आ पाएगा ये। यहाँ भी एक था पता नहीं कहाँ भाग गया वो भी, छोड़ो पहले तो अपनी फुर्सत से रास्ता देखते हैं यहाँ से निकलने का। फोकट में इनसे पंगे लेता रहूँगा, एक तो ख़त्म भी नहीं हो रहे, आते ही जा रहे हैं। ये क्या मिला, ओ भाई यहाँ ट्रेजर में हमें चेस मिला, पता नहीं शायद बेचने का है या कहीं लगाने का, आई डोंट नो। निकलते जाने का रास्ता है कहाँ यार, यहाँ आए थे क्या हम, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं आया अभी तक, यहाँ पे भी कुत्तों की आवाज़ आ रही, लेकिन भगवान जाने कहाँ पे और कहाँ से कूद के आ जाए। भाई पहले तो इसको लीवर को गिराओ, देखते हैं कौन सा झंडा गिरेगा इस बार। ओके दोनों आइट साइड के गिर गए, सिर्फ बीच का ही रह गया लास्ट वन, तो ये भी देख लेते पहले कि कहाँ पे लीवर, क्योंकि नीचे जाके देखूंगा तो वापस भूलने के चांसेस रहेंगे। एक तो जगह समझ भी नहीं आ रही कौन सा रास्ता कैसा है, सब एक जैसे ही दिख रहे। देखो यहाँ पीछे साइड से तो आए थे हम,
इधर नहीं आए अभी तक, ये गेट भी बंद था, देखते हैं। ओ भाई भाई, ये कुत्तों के हमारे अलग परेशान, एक तो रास्ते ढूंढने में इतनी मुश्किल जा रही है और ये कुत्ते अलग ही मजे ले लेके भाग रहे इधर से उधर। बस यही सीन है कि साथ में ना आए तो ही बेहतर रहेगा भाई, क्योंकि साथ में आ जाते तो भैया चारों पांचों तरफ से हमला करते, एक दे एक दो को तो संभाल लेते से नमूनों को, तीन चार आते तो। ओ भाई लो भैया, साथ में ना का बात कर रहे हो, यहाँ तो साथ में ही घूम रहे। एक काम करते, ग्रेनाइट ही उड़ा देता हूँ, एक काम करते। अरे भाई छूट गए से ले, अरे एसली हट वहाँ से, पागल है भाई छोरी भी। भाई मैंने ग्रेनेड फेंका, वहीं बैठ गई एसली भी, उसे भी ग्रेनेड का डैमेज चला गया तगड़ा वाला। आगे भागो, मैंने बोला था क्या? अरे यार ये आखिरी के एक दो कुत्ते काफ़ी हरामी देते भाई, चलो इसको भी निपटाते हैं। बॉडी आर्मर गया मेरा, पूरा टूट गया, चल तेरी तो। अरे गलत टाइम पे गोली खत्म हो गई। ये बंदे आखिरी का मरता क्यों नहीं यार, इतना ढीठ क्यों रहता है हर डॉग। ये देखो इनके लिए कहीं का और वेपन लेना था भाई, ये देखो कि एक तो कीड़ा मर भी नहीं रहा इसका ऊपर का, इतनी सारी गोलियां खत्म करवा दी भाई। ये एसली के अलग ही चाल है, इसको फिर उठाना पड़ेगा। इतना ओके है तो काहे खुद क्यों नहीं उठ रही भाई, काहे मेहनत करवा रही है लौंडे से। ओ भाई यहाँ पे एक चीज मिल गई, रखने की जगह हो गई हो गई हो गई, मुझे लगा रखने की जगह ही नहीं है। एमओ की भाई काफ़ी, एक एक एमओ अब लग रहा है कि कीमती होते जा रही है जैसे जैसे हम आगे गेम में बढ़ते जा रहे हैं। देखो अभी एमओ भी किसी में 5 किसी में 12 ऐसी एमओ बची है मेरे पास, और एमओ बनाना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम मिल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे सब मशीन गन की गाइस एमओ बना ली मैंने, अब मैं उस मशीन गन ही ट्राई करूँगा क्योंकि अब पिस्टल तो यहाँ कुछ काम आ नहीं रहे इन कुत्तों पे। ये कहाँ जा रहा है, एक काहे दीवार में भरा रहे हैं हम इधर है बे, बौखला गया है क्या? कौन सा सस्ता नशा करके घूम रहा था, कुत्ता दीवार में ही भराया जा रहा था। यहाँ पे क्या करना है? अच्छा यहाँ पे लॉक है एक, लेकिन मेरे को उस साइड से घूम के जाना पड़ेगा क्योंकि लीवर को जैसे ही छोड़ रहे ऊपर चले जा रहे हैं, तो एसली को होल्ड करने को बोला है हमने यहाँ पे। चलो ऊपर चल के देखते, शायद अब लग रहा है कि लास्ट वो जो झंडे वाला लीवर है वो ऊपर ही है। हाँ हाँ एसली मत चिंता कर इतनी, पहले तू खुद के कर ले, तू बात बात पे बैठ आती है जैसे ही थोड़ा सा लगे तो। फाइनली अब जाके गेट खुलेगा जहाँ तक लग रहा, क्योंकि लास्ट फ्लैग भी अब नीचे होने वाला है, देखते हैं अब कैसे खुलेगा। क्या बात है भाई, फाइनली गेट खुल गया, पागल कर दिया इस जगह ने मुझे घूम घूम के, और उन खास कर कुत्तों ने। अरे भाई ये टोपो वालों का आना जरूरी था क्या, जादुओं का? इतनी देर से क्या भंडारे वंडारे में खाना खा रहे थे, एंड पे आ रहे जैसे गेट खुल गया। एक काम करते गाइस, ऊपर से स्नाइपिंग करें क्या, स्नाइपर से इनकी खोपड़ी उन खोल देते ऊपर से, क्योंकि यहाँ से सही शॉट एम बन रहा है। देखो एक एक बंदा दिख रहा है, कभी मैं नीचे जाऊँगा और फाइट करूँगा तो एसली को उठा ले जाएंगे, वहाँ प्रोटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। यहीं से प्रोटेक्ट करते दोनों को तो काम डाल दिया। चलो तो इसको छोड़ो, पहले कोई एसली के पास चला गया उसे देखते हैं। ये देखो ये भगी रहे जादूओं। ओ भाई कहाँ ले जा रहा है छोरी को, दिख नहीं रहा है, लियोन खड़ा है, साड़ों की मस्ती भगा देंगे, ये भगदड़ मचा रहे इधर की उधर। ये देखो इसको देखो कहाँ आ रहा है भाई, आ जा भाई तू ऊपर आएगा अब मेरे से लड़ने आ रहे, हो गया छोरी के पास से भगना बंद। एक गंजेड़ी को टपका के पहले उसके पास चलते हो, जादू भैया के पास, पता नहीं कहाँ भाग गए, मुझे मानने आ रहे थे जो। अरे भाई को क्या हो गया, सांप सूंघ गया है क्या, ऐसा क्या खड़ा है, क्या सीन हो गया इसको, ऐसा क्या हम क्यों खड़ा हो गया मसाल लेके वो भी। चलो कोई ना, फाइनली निकलते पहले एसली को देखते कुछ हुआ तो नहीं, वैसे तो कुछ हुआ नहीं होगा, नौटंकी कर रही होगी छोरी। ये देखो आ गई, ना मैं तुझे बचाने थोड़ी नहीं आया था, मैं तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ इधर से उधर, तू आ रही है मेरे पीछे वो अलग बात है। अरे क्या पनौती जगह, फिर भटक गया भाई, अच्छा भला इसकी उधर साइड से निकल जाता मैं इसको देखने, फालतू में आया मैं। चलो निकलते हैं, किधर रास्ता था, पीछे साइड है ना। अरे फिर आना चालू है कुत्तों का, अरे मरो बे तुम्हारी ऐसी की तैसी। अरे ये बड़ा भाई आ गया, इसका आना तो जरूरी है, ये तो बंदा आखिरी में आता ही है। चल आओ भाई, स्नाइपर से काफ़ी जल्दी मर गया यार ये, एक गोली में ही मर गया, बस सही साथ निशाना लगने को होना, क्योंकि स्नाइपर से निशाना लगाने काफ़ी मुश्किल है इसको, इधर उधर हिलता ही रहता पड़ जा रहे, फिर से मिस हो गया। बड़ा बड़ा कुत्ता है भाई ये, मैं भाई नाइफ भी मेरे, एक तो इसके पीछे सारे टूट गए, एम ओ ऐसे ख़त्म हो रहे जैसे पानी हो। जब बहुत भगदड़ मचा रहा है ना तू बेटा, अब मैं तेरा एम बिगाड़ता हूँ, तू भी बहुत एम बनाता है ना, रुक भगदड़ करके ले बैठे।
मनु सेम बनाने की कोशिश कर रहा था कीड़े से, मैंने एक बार दौड़ भाग के उसको निपटा दिया शॉट दे के सीधा। और यार मेरे टाइम पे भी यही कर रहा था, मैं एम बना रहा था तो वो खुद दौड़ भाग के कर रहा था, इस बार दाव थोड़ा उल्टा पड़ गया उसको। चलो गाइस यहाँ पे हेल्थ तो चढ़ा लेनी चाहिए कि नहीं? नहीं एक काम का तो बाद में चढ़ूंगा, पहले एमओ बना ले तो अच्छी खासी, थोड़े से और ऐसे नमूने आए थोड़ी हेल्थ कम होगी तब फुल चढ़ाऊंगा, क्योंकि एकदम अभी चढ़ा लूंगा तो आधी हेल्थ ऐसे ही खराब हो जाएगी। तो देखते आगे। चलो भाई फाइनली अब जाके हम कोर्टयार्ड पहुंचे। पिछले एपिसोड में तो मार धार करके पूरा एपिसोड खत्म हो गया, तब भी पहुंच नहीं पाए थे, फाइनली इस बार तो शुरुआत में ही पहुंच गए। काफी रोशनी है यार यहाँ पे फाइनली। चलो जाके अब अंधेरे में से रोशनी में तो आए। गाइस लियोन बोल रहा है कि बॉल रूम कहीं इस तरफ ही है, इट मीन्स कहीं लुइस भी यही कहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम कॉल आया था लुइस का तो उन्होंने वही बोला था कि मैं तुम्हें कोर्टयार्ड के बॉल रूम तरफ ही मिलूंगा। अब देखते बॉल रूम कहाँ पे है। कैसल अंदर से देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा एमओ का कोटा पूरा हो जाएगा, क्योंकि एमओ अब थोड़ी अच्छी मिल रही है, यहाँ पे तो लॉक है। एक कोर्टयार्ड कसम से गजब लग रहा है यार, देखो अंदर से कितना एकदम म्यूजियम टाइप भी दिख रहा है। देखते हैं अब रास्ता किधर से निकलने का, इधर साइड तो पीछे लॉक दे था। अच्छा एसली बोल रही है ऊपर साइड कुछ स्टैचू जैसा है, चलो चेक करते हैं इसके पास ही जाके। बॉल रूम इधर साइड तो कहीं है नहीं, चलो इसके पास जाके पहले देख लेते। अच्छा यहाँ पे एक मूर्ति है, पता नहीं कौन सा जानवर बना है भगवान जाने, लेकिन उसके जो सर होने वो तीनों के गायब है, तो मुझे लग रहा है कि एक एक सर ला के हमें इस मूर्ति में फिट करना पड़ेगा, बस अब यही काम बचा था, अब ये एज अ पजल सॉल्व करवाएंगे कहीं ना कहीं। पहले कुत्तों से लड़वा दिया गेम वालों ने, अब पजल सॉल्व करवा रहे बहुत अच्छे से। अंदर भी है भाई, वो तो शायद मिल जाएंगे जल्दी से सर का क्या सीन है, हमें बस ढूंढना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। जहाँ तक वो मनुष्यों का भी सवाल है जो घूम रहे थे उन, वो तो शायद यहाँ तक आ नहीं सकते ना अंदर, क्योंकि नॉर्मली गेट तो बंद ही था, तो अंदर कौन आएगा। चलो भाई चीज़ें, अरे सामने ही सर भी मिल गया। भाई ये क्या कर रहे हैं यहाँ, कोई मुझे बताएगा? भाई एक तो इतनी मुश्किल से गेट खुलवाया भाई, और ये अंदर ऐसे ही भटक रहे जैसे इनके लिए इतना आसान हो। गजब बेइज्जती है, ये क्या कर रहा अब? अरे ये बंदा अलग कमाल कर रहा, बंदे ने पूरा पुल नीचे कर दिया भाई। अब ऊपर से वो हेड कैसे लाऊंगा उस स्टैचू का, पूरा घूम के जाना पड़ेगा क्या? अरे भाई साहब यहाँ बहुत खतरनाक दंगे होने वाले ऐसा लग रहा है। एक तो बंदा भी आ गया बकरी के मुंह वाला, और ये अलग आ रहे उसके नमूने और चमचे। अरे कहाँ ले जा रहा भाई साले, मैं इधर लग रहा हूँ साले, तू अलग ही उठा के ले जा रहा है। भाई एक तो ये समझ नहीं आ रहा मेरा माथा क्यों बन आ रहा है। अच्छा वो जादू टोना कर रहा है बकरी के मुंह का। अबे यार इनके अब मुझे लग रहा है कि वो जादू से कीड़े उन निकाल रहा है इनके सर में से। वो देखो ये दो, एक का तो निकल गया और दूसरा उधर उसका भी निकल गया। भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, ये इनसे लड़ने से तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, हमारा ही लॉस है, उल्टा हम इनको फालतू में पटके उन पड़ेंगे। तो एक काम करते कि वो जो मेन बंदा है इनका हम उसे ही निपटा देते पहले, क्योंकि वो एक बार मारा जाएगा ना तभी ये शायद इनकी गिनती उन खत्म होगी। देखने से तो लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी मैंने दो तीन बंदों को मारा और वो फिर आ गए वापस घूम के पता नहीं कहाँ से, तो पहले उसे ही मारते बकरी के मुँह वाले को। ये चमचे तो देखो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, पता नहीं कहाँ किस तरफ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे है। चल चल ऐसे निकलते। अरे भाई मेरे को लगा ऊपर रास्ता क्लियर हो गया, ढाल वाले अलग ही बसण मचा रहे हैं यहाँ पे। वो तो अच्छा है मेरे पास भी पिस्टल मैं यूज नहीं कर रहा है यार, वो मशीन गन लिया है, मशीन गन से ही इनका खात्मा होगा। तात्या बच्चों को देते मशीन गन से बोले। अरे हड़िया असली देखो ना पड़ी है, काहे बीच बीच में खड़ी हो जाती है, इसके अलग ही कांड हो रखे है। असली को कीड़े के साथ खड़ी हो गई, ऐसा लग रहा था उसके साथ घूम रही है मेरे साथ नहीं। सारे यहाँ से मजे ले रहा है, नीचे दंगे करवा के हैं, अब मशीन गन की गोलियां का मजा आया बेटे। चले यहाँ से भागे यहाँ से सारे। और अब भाई जे बात, फाइनल बॉस तो मारा गया इनका अब ये। अरे भाई ये तीसरी मंजिल से कहाँ कहाँ से कूद के आ रहे, अभी भी इनकी गिनती रुकेगी नहीं क्या? लग तो वही रहा है क्योंकि ऊपर से पता नहीं किस तरफ से आ रहे। भाई पहले तो एक कीड़े को निपटाओ, कभी इसका एक मुंह पड़ गया काम खराब कर देगा ये। चल बैठे मुंह खोल, तुझे मैं हलवा खिलाऊंगा, ये ले खा ले। ओ भाई भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है? क्या करूँ यार, सबको आती नहीं मेरी जाति। नो प्रॉब्लम, फिर जैसे ही उठाया था वैसे ही मरो फिर। लो लियोन के हाथों। अरे यार कुछ ज्यादा बंदे नहीं हो गए यहाँ पे? अरे गलत टाइम पर लूट आ गया भाई। ओ तेरी की तो भाई साहब, बंदे ने भर ही लिया था मुंह में, चाकू ने बचा लिया हमारे। चले तो गया खत्म भाई, कसम से यहाँ पे मेरी मशीन गन ने जैसे तैसे बचा लिया भाई। यहाँ कभी एमओ खत्म हो जाती इसमें भी तो काम खराब कर देते बंदे।
अभी भी देखो बंदे रुकने का नाम नहीं ले रहे, लिटरली कहाँ कहाँ से आते ही जा रहे। अरे बस कर लो भैया, हार मान लो थोड़ी बहुत कि आते ही जाओगे। चलो गाइस आप पहले फुर्सत में वो लीवर पता नहीं कहाँ पे है उसे ऑन करते हैं, ऊपर नीचे करके देखते हैं, और ये हमारा पूरा वरना ब्रिज बनाते हैं, पूरा ब्रिज इनने नीचे कर दिया था भाई। चलो अब देखते हैं किस तरफ से रास्ता है नीचे जाने का। ऐसली बोल रही है कि चलो अब तो प्रोग्रेस तो हो रही है, इतनी देर से जो लड़ाई देखी वो उसका नहीं कुछ बोल रही है, इसको बस प्रोग्रेस दिख रही है कि भाई हमने वो लीवर ऊपर कर दिया, ब्रिज ऊपर आ गया, बहुत बढ़िया। चलो भाई अब फाइनली चीज़ें लूट लेते हैं भाई, एमो काफ़ी यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, वापस से टाइम पूरी एमो रिकवर करने का जितनी इनके ऊपर मैंने उतारी थी। पता है गाइस वो बॉक्स उन सही रहते यार, ये गमले और ये सब चीज़ें मिक्स हो जाती है, इनके साथ दिखती भी नहीं कि कहाँ गमले उन्हें। देखो ये तो तब भी दिख रहा है, मतलब कुछ टेबल वेबल के साइड में रखा रहता, पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे है। देखो यहाँ पे अभी रह छूट गया भाई। चलो भाई इसको पहले क्राफ्ट कर लेता हूँ, हेल्थ तो चढ़ा ले क्या? चलो ये छोटी वाली चढ़ा लेते, इसको रख लेते हैं, इसको कहीं बाद में यूज़ करेंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, मतलब अभी सिर्फ हमने एक ही हेड लिया है और इतने बंदे आ गए, इतने दंगे हो गए एक ही हेड के पीछे। कभी दो और कभी हम लेने जाएंगे तो वहाँ सोचो क्या फाइट होगी, किस लेवल की। बाप रे, मुझे लगा आसान होगा तो बढ़िया जाके एक हेड ही लाना है, अब जाके पता चल रहा है एक के हेड के पीछे पूरी जान पे आ गई है। लो भैया ये मिला हमें बकरी का मुंह, एक हेड तो मिल गया है, अब दूसरे देखने वो कहाँ पे होंगे। गाइस यहाँ पे गोट हेड था इसीलिए, मतलब एक वो गोट जैसा मतलब बकरी का मुंह वाला बंदा इसकी सेफ्टी के लिए गार्ड कर रहा था। हम दूसरी जगह जाएंगे तो और दूसरे एनिमल देखने को मिलेंगे, पता नहीं अजीब प्रकार के, वो शायद उसे गार्ड कर रहे होंगे, लग तो वही रहा। अरे यार भाई यहाँ ऊपर एमओ रखी थी, और एक तो जंप का भी एफ ही बटन है, तो साथ में दोनों हुआ और मैं जंप मार गया नीचे, ये अलग ही ग्लिच जैसा दिया यहाँ पे। चलो कोई ना ऊपर जाके ले लेते। अबे यार ये बंदे कहाँ से आ गए भाई, वो एक तो ऐसली ऊपर छूट गए, मैंने अलग नीचे कूद गया था। चल भाई ऐसली झुक जा पहले, तू तो फुर्सत से नीचे नहीं, तेरे को पड़ गए तो फिर बोलना मत। अरे यार भाई जो ऐसी हरकत करता है गाइस आपको तो पता ही है, उसे स्पेशल मूव खाने का मौका मिलता है। ले बेटे कैसा लगा धोबी पछाड़ लियोन का, बेटे मजा आया? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया भाई, डिफीट कर देकर टाइम ही नहीं लिया, बंदर सीधा आया पता नहीं कहाँ से और घुसेड़ दिया उसका जो भी था वेपन। मैं नीचे कूदा उसी टाइम पे, आना इनको जरूरी था, मैं ऊपर था उस टाइम पे नहीं आए। एसली जैसे ऊपर छूटी बंदे उन लपक पड़े कि भैया पकड़ो एसली को, लियोन तो नीचे है कोई उठा देखेगा नहीं, गलत फहमी इनकी। अरे यार ग्रेनेड रखने की जगह ही नहीं है यहाँ पे, रिसोर्सेज भर लेते पहले। चलो चोरी का भी अलग ही दिमाग चलता है, अब जाके इसकी ट्यूबलाइट जल रही है, अब पूछ रही है कि अब ठीक हो लियोन, मैं वहाँ फाइट चल रही थी कि वो भाला घुसेड़ दिया था बंदे ने, वहाँ नहीं पूछ रही थी कि ठीक हो, अब पूछ रही इतनी देर बाद। लियोन भी मन बनाने के लिए बोल देता है भैया ठीक है जान दो, छोड़ो दूसरा हमारा तो हेड ढूंढने की कोशिश करते हैं एनिमल का, आप देखते हैं वो कहाँ पे मिलेगा। गाइस यहाँ पे इधर साइड भी एक गेट दिया है तो यहाँ पे भी हो सकता है, और एक स्टैचू के बाजू में भी दिया है, तो वो दोनों जगह भी नहीं गया हूँ, तो एक बार चल के देख ही लेते इधर भी। दोनों जगह से तीनों एक साथ हेड ले आएंगे फिर जोड़ेंगे, अब एक एक करके जोड़ूंगा कोई मतलब नहीं निकलेगा, लाना तो दोनों भी पड़ेंगे ना। ये बात कर रही है भाई छोरी, छोरी तो गाइस यहाँ पे लाइन मार रही है लियोन पे। गाइस एसली का कहना है यहाँ पे ये जो आर्मर उन रखे ये लियोन, क्यों ना तुम ये बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह यूज करो इसे पहन के। तो लियोन का वही कहना है कि ये काफी पुराने समय के है और ये मुझ पे जमेगे भी नहीं और मैं ऐसी चीजें पहनता भी नहीं। बट एसली ने कहा कि ये खराब है, बट मेरे हिसाब से तुम काफी डेसिंग लगोगे इस आर्मर में। वो क्या कहना चाहती है छोरी, भाई रिश्ता पक्का कर दे, एडा को पता नहीं है, एडा जान ले लेगी ऐसी बातें सुन के लियोन की, क्यों रखा है छोड़ो। मैं तो गाइस यहाँ पे हेड एक और नीचे मिल गया है, यहाँ पे गाइस लॉयन का हेड मिला है हमें। एसली को हमने ऊपर ही रुकने को बोला है एज अ सेफ्टी लियोन ने, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हुआ एकदम से तो एसली पे हमला ना हो जाए, इसलिए सेफ्टी के लिए। पहले तो गाइस मैं आज चीज़ें उठा ही लेता हूँ, क्योंकि कसम से कुछ मैंने हेड उठाया और कुछ हो गया तो कांड हो जाएंगे। चलो भैया उठा ही लिया, देखते हैं क्या होता है। वैसे तो अभी तक कुछ हुआ नहीं, इसके कोई रक्षा कर भी रहा है? अरे भाई नाम लिया और ये आ गए झामरू उन रक्षा करने इसकी, भाई मुझे लगा ही था कुछ ना कुछ सीन होगा, इतनी आसानी से तो ये नमूने ले जाने नहीं देंगे जैसे इनके घर के कागजात ले जा रहा हूँ मैं। देखो
आ रहे दोनों की दोनों। एक तो दोनों को लगेगी भी नहीं गोली कि उनकी का आर्मर इतना खतरनाक वाला है, जो एसली का डैसिंग आर्मर है वही पहन के आ रहे ये लोग। अबे भाई स्नाइपर से ही बत्ती देना पड़ेगा लग रहा है। अरे सही शॉट शॉट पड़ गया, इतना एक तो पास में और इतना बड़ा स्कोप खुल रहा है, बहुत दिक्कत जा रही है इनको मारने में। तो ये कौन सी दवाई फेंक दी इसने एसली ने, ब्लू कलर की, देखते इससे क्या होगा। बस वो बंदा तीर पता चले तलवार ना चढ़ा दे। ओ भाई गजब चीज है यार ये तो। चलो भाई कुछ तो अच्छा किया है एसली ने कि उन्हें जमा दे रही है जो भी फेंक रही है चीज, पता नहीं क्या है, लिक्विड है कि केमिकल है। यहाँ पे एमओ बना लेता हूँ यार, मुझे इसकी एमओ चाहिए थी भाई स्नाइपर की, क्योंकि मैं आज अपने कट्टे से मारने जाऊंगा तो इनको कुछ भी नहीं होगा ऐसा लग रहा है। एक तो आर्मर इतना खतरनाक पहन के आया, उसके साथ ही जो तलवार लाए वो देखो कितनी लंबी है, देखो। ओ भाई बच गया यहाँ पे तो बंदा चला ही देता, एक नंबर ऐसे नाइस, क्या बात है। ओ भाई ये तो बहुत गजब चीज ये कर दी यार इसने, बहुत हमें वो मिल रही है हेल्प इससे। बंदे सीधे जम ही जा रहे, एक लात में उनका वो जो मुंह का है वो मेन बाहर आ जा रहा है। गाइस ये कहीं ना कहीं ये जो कीड़ा है यही पूरा फुल कंट्रोल कर रहा है ये तो। गाइस मतलब एक तरह से स्टैचू था, स्टैचू भी नहीं कह सकते, मतलब एक तरह से टंगा हुआ मतलब खोखला आर्मर ही था, उसे तक जिंदा कर दिया इसने कीड़े ने। ऐसा लग नहीं रहा कि ये अब आर्मर है भाई खोखला। अरे भाई पड़ गया, भागो यार, मेरी स्नाइपर की एमो खत्म हो गई, बहुत दिक्कत हो रही है मारने में। अब कुछ ज्यादा की तादाद में ही आ गए, लियोन तो मजे ले रहा है मार मार के। अरे काम करते बंदे को बुलाते, नाइस। अब तो शायद एसली एक और फेंक दे हमारा काम हो जाएगा, ये शायद तीन ही बंदे बचे। ओ भाई बचा, किस्मत के कारण ही आप बच रहे हो बस मूवमेंट करते हुए। भाई बंदे उन सीधे तलवार ही चला रहे यार, एक तो पिस्टल से इन्हें कुछ हो भी नहीं रहा है। काम करते कट्टा निकाल तो बत्ती। ओ भाई साहब कसम से लगा नहीं था ये सीन देखने को मिलेगा, मतलब एक कट्टे की गोली में दोनों खत्म हो गए। भाई इसको सामने से मारना काफी मुश्किल लग रहा है मुझे, ये देखो भाई यहाँ लिटरली तीन गोलियां उतार दी, शॉटगन कितनी पावरफुल तब भी कुछ नहीं हुआ इसको, इसका आर्मर ही बचाव कर रहा है पूरा इसका, वरना तो अभी तक तो काम डल गया होता। अरे कहाँ गया वो बंदा, ये रहा। अच्छा इसको मशीन गन से ही पेलते, चलो ये कीड़ा तो बाहर आ गया अब तो काम डल जाएगा इसका, मशीन गन पे रिलोड आ जा, ले बेटे खत्म। गाइस जो लियोन की किक का आखिरी का जो फिनिशर है ना वो बहुत गजब लगता, मतलब ऐसा लगता है कि लियोन की किक में इतनी पावर है जितनी इसकी गन उनमें नहीं है। अच्छा एसली की इस बार जल्दी ट्यूबलाइट जल गई, इस बार जल्दी पूछ लिया कि ठीक है क्या लियोन अब, ये ठीक है तो आधे घंटे बाद पूछती है छोरी कि भैया आप ठीक है तू, तो तब तो ऑब्वियसली ठीक ही होगा ना बंदा। यार देखते अब कहाँ से निकलने का रास्ता है, यहाँ कुछ करने का कहाँ है भाई, लीवर है ये घोड़े की पूछ को लीवर बना के रखा है भाई ओ भाई अच्छा दोनों साथ में खुलेंगे तभी खुलेगा एक गेट। भाई यहाँ पे इतना मतलब हार्ड लगा नहीं मुझे इन लोगों को मारना, वो जो पहले जो हम हेड लेके आए थे ना बकरी वाला वो थोड़ा मुश्किल लगा था, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ से बंदे आ रहे थे, एसली को भी उठा के ले जा रहे थे, यहाँ मतलब हम ही मारने आ रहे थे तो इतना कोई परेशानी हुई नहीं मारने के लिए। वो अगला वाला हेड जो हम लेने जा रहे हैं मुझे जहाँ तक लग रहा है वहाँ शायद कम बंदे हो सकते हैं या पता नहीं ज़्यादा भी हो सकते, कोई भरोसा नहीं गेम का। मेरे हिसाब से कहीं वो जो बकरे वाली जगह थी हेड वाली वो थोड़ी ज़्यादा लगी कि वहाँ कुछ ज़्यादा ही दंगे हो गए थे ये बाकी जगहों से। देखते कहाँ मिलेगा अब अगला हेड। वो भाई यहाँ पे क्या ही है, मर्चेंट के पास आए और ये पता नहीं कुछ पजल जैसा यहाँ पे आ गया है, और ये क्यूब कहाँ मिला मुझे, अच्छा वो ऊपर साइड ही मिला था जहाँ पे हम सेकंड टाइम गए थे। चलो देखते हैं, अबे भाई ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, कैसा क्या फंसाना है इसमें, ऐसा कुछ लगेगा क्या, हाँ अच्छा ये लगेगा, देखते हैं इसमें क्या मिलेगा। ओ भाई साहब लैंप मिल गया यार यहाँ पे, बटरफ्लाई लैंप, अब इसमें हम हीरे वीरे लगा के बेच सकते हैं इसको, ये भी मतलब मान के 30-40 हज़ार तक जाएगा ऊपर। अच्छा है मैंने भाई क्यूब ले आया, खतरनाक वाला ट्रेजर मिल गया। एक काम करता हूँ गाइस मैं इस पे लगा ही देता हूँ दो हेड, क्योंकि अब साइड में ही तो जाना है, स्टैचू के साइड में ही गेट है जहाँ पे हमारा तीसरा हेड मिलेगा, तो इन्हें लगा के चल देते। अब आखिरी ला के फटाक से लगा कि पता नहीं क्या खुलेगा इस चीज़ से। अरे हीरा सामने निकालो भाई, अरे किसी पिंजरे के अंदर ही बंद है भाई, मुझे लगा कि खुला ही है, निकाल के चलो। अब इसके पीछे पता नहीं क्या जुगाड़ लगाना पड़ेगा इसको खोलने के लिए। डाइनिंग हॉल, ओ भाई एसली भी बोल रही है खाना खाना है क्या, ना रहने ही देते, मुझे भी कोई इतनी जगह खास लगी नहीं, तो पता चले बैठे हम दोनों खाने और यहाँ पे भैया जहर मिला हुआ खा लिया, यही दोनों निपट गए। गाइस जो यहाँ पे रहते थे किंग एंड क्वीन उनकी यहाँ पे गाइस फोटो लगी हुई है,
बाकी ये दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठे और इनकी मतलब जो चीजें फोटो में दिख रही है वो सब यहाँ पे भी रखी हुई है। मतलब कहीं ना कहीं ये पजल जैसा ही लग रहा है मुझे। पहले एस्ली को यहाँ पे सीट करते क्वीन की जगह, क्योंकि यहाँ पे गाइस दो चम्मच होने और दो ये है, मैंने अभी देखा ये तो सही जगह है। किंग की जगह देखते कौन सी है जहाँ पे ब्रेड और तीन चम्मच रखे, तीन तीन। किंग की जगह शायद लियोन को बैठना है। Take it however you want. इन दोनों की बातें सुनने में मजा आ रही है गाइस। यहाँ पे एस्ली बोल रही है लियोन को कि लियोन तुमने पहले भी ऐसे कुछ मिशंस किए हैं, तो लियोन ने बोला किए हैं बट मुझे कोई कंपनी नहीं मिली जो साथ दे मेरा। तो एस्ली ने पूछा कि ये तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या इसका कुछ और मतलब है, तो लियोन ने बोला कि जो तुम्हें समझ ले भाई। पता नहीं क्या सीन चल रहा है इन दोनों के बीच में। भाई फाइनली हमारा हेड तो मिल गया सांप वाला, मुझे लगा नहीं था इतनी आसानी से मिल जाएगा आखिरी वाला, मतलब सबसे आसान यही वाला था और सबसे मुश्किल बकरे वाला था हेड लाना। हिम्मत मारी गई थी जो मैंने सबसे मुश्किल चुन के आखिरी वाला चुना। कोई ना, तीनों लाने तो थे ही वैसे। चलो कहीं हुई हो छोरी, तू का चिल्ला रही है। ओ भाई भाई ये कहाँ से आ गए बंदे, भाई ये क्या गलत सीन कर दिया इनने, मुझे बंद कर दिया वैसली बाहर ही है। अरे छोरी भागी जा, तू मान ना खगर नहीं तो भाग यहाँ से। What the heck, ये कहाँ से बावला मेरे साथ अंदर रह गया भाई साहब। बंदा तो अपना जॉनविक बन गया यार, क्या दे रहा है बस्ती। हुसैन भाई कसम से मारने के साथ बचाओ, क्या किया है भाई बंदे ने। बट एस्ली भी बच जाए कैसे भी करके, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम बच गए, प्रॉब्लम ये है कि एस्ली बच जाए बस। उसके तो भाई पीछे हाथ धो के पड़ गए बंदे, तो दरवाजा तोड़ दोगे के। ये भी सही है, एस्ली ने सही निर्णय लिया कि मैं भाग नहीं सकती, मुझे रुकना ही पड़ेगा लियोन के लिए। बट गाइस लियोन तो उस साइड ही है ना एकदम, अब लियोन एस्केप कैसे होगा वो जेल में से। ओ भाई अबे ये क्या हो गया, मैं एस्ली कैसे बन गया, कैरेक्टर चेंज हो गया यहाँ पे। अबे भाई साहब ये इसके पास कुछ है तो सही नहीं, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सर्वाइव करना है एक तरह से, क्योंकि एस्ली के पास तो कुछ गन वन कुछ भी नहीं है। और इसको नमूनों को देख के पहले ही डर लगने लग जाता, लियोन वाला काम तो है नहीं इसका। तो देखते हैं क्या होगा सीन, हमें लियोन के पास जाना है या लियोन हमारे पास आएगा, यही अलग समस्या है। नहीं लियोन तो आ नहीं पाएगा क्योंकि वो तो मतलब पता नहीं कैद ही हो गया है, जब तक वो लीवर को ये ऊपर नीचे नहीं करेगा जब तक वो पूरा केज ही नहीं खुलेगा। लग तो रहा है कि एस्ली लियोन को जाके बचाएगी, क्योंकि एस्ली भी कहीं ना कहीं अब समझ गई है कि वो कभी ऐसे ही भागती रहे तो कुछ नहीं होगा, लियोन ही बंदा है जो उसे यहाँ से निकाल सकेगा। बट हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे अभी वो अलग देखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे घड़ी है लेकिन यहाँ के टाइम कुछ सेट करना है क्या, एस्ली भी वही बोली यहाँ पे घड़ी है लेकिन उसे हाथ से सेट करना पड़ रहा है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा पजल हो सकता है, बट गाइज मुझे यहाँ पे टाइम उसका पता नहीं है कि क्या रखना है, तो छोड़ देते हैं अभी, रास्ते सीधे निकल रहे उधर ही चलते हैं। एक लेम के सहारे इतने पूरे अंधकार में घूम रहे भाई इधर से उधर, बस यहाँ कुछ ना आए तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि वो नमूने अभी तक आ नहीं रहे तो ही अच्छा लग रहा है, वरना आ गए तो भैया लैम्प फेंक के तो मारेगी नहीं एस्ली पहले ही भट्टू है, तो नहीं आ रहे वही अच्छा लग रहा है अभी। बढ़िया रास्ते वास्ते तो आराम से मिल जाएंगे। अच्छा यहाँ पे गाइस एलिवेटर है लेकिन उसकी चाबी कहीं और है, तो देखनी पड़ेगी किस तरफ है उसकी चाबी। हमें चाबी ला के शायद लिफ्ट से ऊपर नीचे जाना है कहीं पे। ये चाबी अब कहाँ मिलेगी, चाबी कहीं भाई ऐसी छोटी सी हुई ना कसम से यहाँ ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, बड़ी हो चाबी तो ही बेहतर रहेगा। ओ भाई ये किसकी आवाज़ है भाई, ये जगह मुझे भी इतनी कोई खास लग नहीं रही अच्छी, मतलब पता नहीं काई की आवाज़ है ये अभी इतने अंधेरे में। जंप स्केयर ना है तो ही बेहतर रहेगा भाई, फटके चार हो जाएगी यहाँ पे कभी एकदम से कोई सामने आ गया तो। अच्छा गाइस हमने यहाँ पे जो एक लीवर घुमाया तो उससे मतलब एक सीढ़ी नीचे आई, तो एस्ली वही बोल रही है कि ये हिडन स्टेयर्स क्या कर दिए यहाँ पे, कुछ शायद ऊपर रूम और कुछ हो सकता है यहाँ पे, देखते हैं क्या होगा। शायद हो सकती है यहाँ पे चाबी, भाई मैं गमला तोड़ रहा हूँ चाबी लेके, गमला तो तोड़ ही नहीं सकती ना एस्ली। ये क्या हल्ला हो रहा है यहाँ पे भाई, अब तो समझ गया मैं यहाँ कुछ ना कुछ सीन है, क्योंकि पहले आई थी तो मैंने इग्नोर कर दिया था लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही आ रही है, और कोई ना कोई तो है यहाँ पे भाई। पहले छुप के जाना पड़ेगा मुझे जहाँ तक लग रहा है भाई, ये सामने आ गई छोरी तो कूद डालेगा कोई भी रहेगा तो।
एसली को पता चल गया कोई ना कोई तो है, या तो वही आर्मर वाले ही लग रहा है क्योंकि आवाज तो वैसी आ रही है उसके टूटे फूटे उसकी आर्मर की। ये क्या है, ये जगह पे तो आए नहीं थे यार हम। भाई ये चाबी इतनी सारी दे दी है, अब इसमें से खुलेगा कौन सा? इसका है भी इसमें एक आधी चाबी इसकी। एक सही ये चेक करते हैं, ये सेम लग रही है लॉक जैसी। ओ भाई नाइस, एलिगेंट परफ्यूम बॉटल। भाई परफ्यूम की बॉटल मिली है एस्ली को भी, उसके ही काम की चीज़ें मिल रही है परफ्यूम की बॉटल। अब यार क्या सजने धजने का टाइम है ऐसी जगह। तो एक आदमी भाई ये क्या है, बंदा डरा ही दिया भाई बंदे ने, एकदम से आ गया सामने, कोई लगा नहीं था कहाँ से आ जाएगा। भाई भाग छोरी यहाँ से निकल भाई, ये खतरों से खाली जगह नहीं है। एक तो मुझे अलग चूल्हे फुल हेडफोन में वॉल्यूम करके सुनने की, बंदे ने सही में डरा दिया यार यहाँ तो। अरे यार ये चाबी क्यों नहीं लग रही, इतनी चाबी देना जरूरी थी क्या? वो खुल गया, नहीं निकलो भाई बंदे पीछे आ रहे, दबा बटन निकले यहाँ से ऊपर। चलने लग गई क्या लिफ्ट फाइनली? एक तो है वहाँ इतना अंधेरा था, बंदा पता भी नहीं चला कि कहाँ से आ गया। अबे अबे अब इसको क्या हो गया, लिफ्ट को बंद क्यों पड़ गई बीच में, रास्ता खुला क्या? अरे बीच में ही अटक गई है लिफ्ट, हाथ से ही खोलना पड़ेगा लग रहा है। बोलो इतना बड़ा महल और एक लिफ्ट की मेंटेनेंस नहीं रख सकते ये लोग, भाई तुमसे ना हो पाएगा कुछ। हाँ वो अलग बात है कि यहाँ कोई रहता नहीं तो मेंटेनेंस करने वाला कोई होगा नहीं, अभी तक तो कोई मिला नहीं जिनके जो यहाँ रहता है भूतोड़ों के अलावा। बस हम पहुँच ही गए यहाँ पे लियोन के पास गए, लेकिन ये पिंजरा बीच में बहुत बड़ा गेट अड़ा हुआ है लोहे का, तो अब इसे देखना पड़ेगा कैसे खोलेंगे हम। यहाँ पे कुछ पजल जैसा लगेगा क्या? लग तो वही रहेगा, इस क्यूब काफ़ी जगह लगेगा यार, क्यूब ढूंढना पड़ेगा। क्यूब कभी हमें मिल गया तो लग रहा है कि काफ़ी ट्रेजर मिल जाएगा यहाँ से। भाई ये पेटी भी कहाँ रख के रखी पता ही नहीं चले किसी को। यहाँ पे गाइस ईगल का साइन बना हुआ है, लेकिन ईगल वाली की कौन सी? अच्छा ईगल बैठा हुआ है ये की पे, ये इसी से खुलेगा। देखते हैं इसमें क्या क्या बात है। अब जाके फाइनली सैफ्रिन मिला, कुछ तो कीमती मिला। मुझे लगा था कि भैया फिर से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा दे देंगे। 11-4 गाइस यहाँ पे 11-4 की मतलब एक चिट्ठी मिली है, तो ये समय लग रहा है कुछ मुझे गाइस। एक मैं 11-4 का सेट करके देखते हैं, 11:04 न्यूमेरिकल नंबर में तो थोड़ा कंफ्यूजन भी है, बट कोई ना 5 मिनट में 1 मिनट कम, हियर वी गो। कुछ खुला क्या, ये क्या हो रहा? अच्छा गाइस यहाँ पे एस्ली बोल रही है जो हमारे मेन गेट हमें खोलना है उसके साइड में कुछ लगाने का लगा है, तो वहाँ पे अब देखते हैं कुछ लगेगा तभी शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है गेट खुलेगा। और गाइस ये जो 11:04 का टाइम है ना, ये हमें पुरानी वाली घड़ी में भी सेट करना जो शुरुआत में हमें मिली थी। ओ भाई बंदा सामने मान नहीं आ रहा था, ये लैंप की वजह से हम बच गए। गाइस ये लाइट ना कहीं इसने रोक रही है, क्योंकि ये वही लाइट है कि जब लियोन फाइट कर रहा था उस टाइम पे एस्ली फेंक के मार रही थी। भाई सब बच गया, हमें बंदे ने क्या तलवार मारी, पूरी दीवार हिला दी थी जब से फोर्स से मारी उसने। ओ भाई भाई हाउ दैट्स पॉसिबल, भाई इतनी की तादाद में कहाँ से आ रहे लपक के भाई? अभी तक तो नील बटे सन्नाटा माहौल था जब हम शुरुआत में आए थे, अब कहाँ से इतने सारे टपक पड़े एकदम। अलग ही मिस्टर इंडिया हो रखे है भाई पूरे के पूरे। गाइस हम इस रास्ते से वापस इसलिए जा रहे क्योंकि हमें एक सिंबल लाना है, आपने को जैसे मैं बताया था कि गेट के बाजू में कुछ सिंबल जैसा दिया था, तो वो लेने हम वापस आए। गाइस वो कहीं ना कहीं गाइस जहाँ पे जो लोग रहते थे कैसल्स में, जो पूरी फैमिली रहती थी उसका सिंबल है, तो वो हमें सिंबल मेन ढूंढ के लाना पड़ेगा तभी जाके शायद गेट खुलेगा। गाइस यहाँ पे घड़ी है, यहाँ पे भी शायद 11:04 का ही टाइम डालना पड़ेगा। भगवान जाने क्या लॉक है ये सिस्टम, मतलब 11:04 के टाइम से खुल रहा है पूरा सब दूर का। चलो देखते हैं इसके पीछे शायद हो सकता है हमें सिंबल जरूर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ अभी तक नहीं आए हम। मतलब ये घड़ी तक आए थे बट हमें लॉक को नहीं पता था, मतलब वो टाइमिंग वाला जो भी सिस्टम है, वो कभी पहले पता होता तो हम सीधे इधर आते और सीधे ऊपर जाके खोल देते गेट, बट शायद हम सिर्फ टाइम देखने के लिए ही वहाँ पे ऊपर गए थे गेट के। अरे जल्दी आ, अरे भाई पर इनको काम धंधा है कि नहीं, नमूनों को पीछे पड़े रहते हैं भाई। पहले तो बटन दबा दूँ, तुम साले मरो उधर, लिफ्ट तो चले, अब लिफ्ट में तलवार ना घुसेड़े देने तो कांड हो जाएंगे भाई साहब। एस्ली बोल रही है बहुत हो गया आर्मर वालों का, अब देखते हैं। तो भैया इसकी भैंस की टेंट, यहाँ पे एस्ली ने क्या बोला और क्या हो गया, यहाँ तो पूरी आर्मर वालों की आर्मी है भाई। एस्ली ने बोला इनका हो गया और यहाँ पे देखो क्या कांड हो गया।
तो अच्छी बात है, जिंदा नहीं है फिलहाल में। कभी ये जिंदा हो गए भाई कसम से नवरात्रि के डांडिया उन खिलवा देंगे इतने सारे मिलके। वो भी गाइस ये पीछे वाला गेट लॉक्ड है और इस पे काफी एनिमल्स के सिंबल बने, तो आई नो कि इसे कैसे खोलते क्योंकि हमने पहले भी खोल चुका है ये। चारों कोने पे बेल सोन बनी है और अलग अलग साइन बने हैं सिंबल ओन। चलो देखते हैं, एक तो जला दिया। अरे भाई अबे ये छोरी की किस्मत खराब है के हो रखे, मैं बैल बजाया और वैसे ही इतने सारे जिंदा होना चालू हो गए। अब गाइस मैं एक काम करता हूँ, भगते भगते अब सीधे बैल ही बजाता हूँ, इतना टाइम है नहीं कि देखूँ पीछे मुड़ के कि कितने जिंदा हुए हैं ये लोग आर्मर वाले। बजा के सीधे निकलते हैं। ओ भाई खुल गया, भागो भाग रहे चोरी, मौत पीछे दौड़ रही है, भाग, कभी रुकी तो काम खराब कर देंगे लौंडे उन। ओ भाई गाइस यहाँ पे मैं रुक जाता ना कसम से, गार्ड उन मूली काजर की तरह छील लेते हैं एथली को। तो इतने सारे एक साथ कैसे जिंदा हो गए ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो ये आवाज़ काहे की आ रही, ये क्या हो गया, इनको सांप सूंघ गया क्या? अच्छा ये लाइट की वजह से रुक गए गाइस, आग जल रही है ना साइड में ब्लू कलर की, तो बवाल चीज है बे, पूरा सिस्टम हिला दिया कसम से, मतलब एक आग ने इतने सारों को रोक दिया। तो ऐसा क्यों नहीं कर रही कि एक हाथ में लेके घूमे असली साग को, एक हाथ में ले एक हाथ में मसाल, सही सीन हो जाएगा। व्हाट द हैक क्यों बोल रही है, असली क्या हो गया? अच्छा यहाँ पे गाइस पजल टाइप है कुछ ऐसा, और इसके अंदर ही हमें जो हमारे काम की चीज़ है वो मिलेगी, सिंबल का टुकड़ा जो वहाँ गेट के वहाँ लगेगा। तो देखना पड़ेगा भाई, पहले तो ये सब पजल समझना पड़ेगा क्या सीन है। इतने सारे गाइस तीन तरफ लैंप रखने का बता रहा है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में लगना है और मतलब किस शेप में? अच्छा समझ आ गया, ओके, मतलब ये शेप तो दिया हुआ है, बस हमें लैंप को देखना पड़ेगा कि किस लैंप पे स्टार बनाए, किस लैंप पे मून बनाए और किस लैंप पे फुल मून है। तो देखते हैं, इस यहाँ पे तो शायद स्टार आएगा, ओके यहाँ पे फुल मून आएगा, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उधर वाले उठा के लाना पड़ेगा लैंप, यहाँ पे आएगा हाफ मून। चलो अब उधर फुल मून लगाते हैं, देखते हैं शायद ये पजल खुल जाएगा। गाइस मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो हम लेने आए टुकड़ा, ये जो सिंबल का, ये काफ़ी कीमती था सलाजार फैमिली के लिए जो यहाँ पे रहती थी, तभी यहाँ पे गाइस इतना मुश्किल हुआ भाई यहाँ तक पहुँचना इसको। चलो अब तो फाइनली निकाल के ले चलते सीधे। लो भैया अब तो शायद कोई आएगा नहीं हमें मारने, क्योंकि सभी तो पहले ही तो इतने सारे आर्मर वाले आ गए। लो भैया नाम लिया और हाजिर, मतलब मैंने निकाला वैसे ही आर्मर वाले टूट पड़े सब। छोरी ने अलग ही बेवकूफ़ी कर दी वहाँ पे, एक तो लैंप पे भी छोड़े ही, अब बचेंगे कैसे भाई? ये जामरून अभी तक जमे ही पड़े आग के कारण, बस थोड़ा सा हिलना ढुलना नहीं है, कभी जरा सा भी हिला दिया तो भैया काम खराब कर देंगे। एसली भी वही बोल रहे कि हिलना मत नाइट्स, तुम अच्छे नाइट्स हो, वो तो आगे ही पता चलेगा, शायद नहीं हिलेंगे। इधर वाले तो शायद पूरे जम ही गए एक तरह से। लो भैया भाई मैं इतना सा निकला, बंदे ने घूम के तलवार मारना चालू कर दिया। अरे भाई बचा भाई, लास्ट वाला का तो पड़ ही जाता शॉट, जरा सा रह गया बस 1 इंच से। ना भैया तुमसे ना हो पाएगा, काम धंधा करो, जाके गाँव वापस चले जाओ, अपने खेती बाड़ी करो काम धंधा वंदा करो, तुमसे ना हो पाएगा असली को पकड़ने वाला सीन। ओ भाई ये गेट क्यों नहीं खुला? अरे भाई मैं इधर साइड देख रहा हूँ लिफ्ट के पीछे गेट खुल गया है। गाइस यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की, मतलब एसली के टाइम से इनसे एक लड़की को मानते नहीं बन रहे, एक तलवार कभी लियोन होता यहाँ पे भाई बेचारे को भूत बना देते मार मार के। मतलब लड़की के टाइम पे इनका मैकेनिज्म नहीं चल रहा, और लड़के के टाइम पे मैकेनिज्म बहुत तेज चलता है, अलग ही सीन हो रखा है। अरे भैया कितनी और दूर जाना, आती घड़ी में तो जितनी दूर लगा नहीं, जितनी जाती घड़ी में लग रहा है दूर भाई। मैं गलत रास्ते तो नहीं आ गया ना? लग तो वही रहा है, भटक वटक तो नहीं गए हम लोग? क्योंकि नहीं कभी भटकते तो ये लोग आते नहीं, कभी हम पीछे जाते, ये लोग आ रहे इसमें सही रास्ते जा रहे। हाँ सीढ़ी तो ऊपर ही जा रही है, मतलब हम पहुंचने ही वाले हैं, असली भी का भी कहना है। ये आर्मर वाले रुकेंगे इस तरफ क्योंकि हम खोल लेंगे तो पता चले वो भी साथ में ना आ जाए, आर्मर वाले भी गेट से। लियोन भी टेंशन में बैठा होगा, बोले छोरी वोरी को निपटा तो नहीं दिया। बढ़िया भाई, अच्छा यहाँ पे कुछ जुगाड़ लगा रही है असली लियोन को बाहर निकालने का। भाईजान हैंडल पे कहाँ पड़े? अच्छा लियोन ने इसको हेडशॉट मारा था तो हैंडल पे ही गिर गया बंदा भाई, वो असली से हटा ही नहीं जा रहा। ये सही साथ अल्टरनेटिव मिल गया, ये जाली को हम ऊपर नहीं कर सकते तो चाबी दे दो, शायद इससे खोल लेगा लियोन। अब शायद चेंज हो जाएगा, लग रहा है कैरेक्टर हमारा लियोन बन जाएंगे हम वापस से, देखते क्या होगा। लियोन बोल रहा है मैं गेट खोलने के बाद तुम्हें कैच कर लूंगा, तुम पैर नीचे कर लेना। भाई ये कूदने की क्या जरूरत है असली को, जब साइड से सीढ़ी है तो
दिमाग विमाग चल रहा है कि नहीं भैया, उनका बौखला गया है क्या? ओ बे ये कौन आ गया? लो भैया छोरी इतनी मुश्किल से बच के ही, वो अलग ही ले जा रहा उठा के इतना बड़ा, क्या मालूम क्या भगवान जाने क्या है। अरे भाई भाई इससे अभी तक हमारा सामना नहीं हुआ, ये कुछ अलग ही है भाई बंदा जो ले गया एसली को। लियोन ने कोशिश भी पूरी की, पूरी पिस्टल उतार दी थी बंदे पे, फिर भी उसे कुछ डैमेज भी नहीं गया और उसे कुछ ऐसा लग रहा था असर ही नहीं हो रहा था। भाई ये मुझे गाइस जहाँ तक लग रहा है इनके बॉस के पास ही ले जा रहा, जो लॉर्ड सैडलर है जिनने हमारे अंदर वायरस और एसली के अंदर वायरस डाला था। अबे ये कौन है अब? अच्छा एडा गाइस, इसके कपड़े देख के मैंने पहचाना, आप कुछ और मत समझना, नहीं तो भैया बवाल मचा दो तुम लोग कमेंट्स में। ये कहाँ घूम रही है? सॉरी नथिंग येट बट माय लिटिल हेल्पर इज क्रिएटिंग क्वाइट द कमोशन। एक सेकंड, हम यहाँ से तो जा चुके हैं ना, नजर रख रही है क्या एडा हमारे ऊपर? As long as you can keep your dog under control. He's a good boy. Predictable. Fine. Keep your mutt. But don't come crying to me if you get bit. भाई छोरी का अलग ही सीन है, पता नहीं क्या गाइस जहाँ पे, पता नहीं एडा किससे बात कर रही थी तो वो बंदा बोल रहा था कि तुम्हें एम्बर मिला क्या, तो एडा ने बोला कि अभी तक तो नहीं मिला फिलहाल में, बट हमें जल्दी ही वो चीज़ मिल जाएगी। और लियोन के बारे में भी बताया एडा ने कि वो यहाँ से गया था। एक तो ये समझ नहीं आ रहा कि लुइस और एडा काम किसके लिए कर रहे हैं, अभी तक नहीं पता चला। Babysitting's tough, huh? Hey, Ada. Ada. Perfect. So guys, यहाँ पे एडा ने पता नहीं हमसे कांटेक्ट कैसे कर लिया, वो भी पहली बार हुआ है उससे कांटेक्ट। गाइज वो जो बंदा जब जा रहा था ना तो एसली को लेके, तो एडा ने उसे देख लिया था कि वो किस तरफ जा रहा है, तो एडा ने हमें फिलहाल में अभी वही इन्फॉर्मेशन दी है कि एसली को थ्रोन रूम तरफ कहीं पे ले गए हैं। अब शायद एसली को भी हमें ढूंढने जाना पड़ेगा वापस से, एक तो इतनी मुश्किल से मिली थी एसली, अब शायद हमें वापस ढूंढने जाना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे वीडियो एंड करने का टाइम हो गया है, काफ़ी प्रोग्रेस वैसे हमने अभी फिलहाल में कर ली है, अभी फिलहाल में हमें एसली आगे जाके पता चलेगा कि कौन बंदा ले गया है और एडा और इसका क्या सीन है कि लुइस और एडा किसके लिए काम कर रहे हैं। सो गाइस होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो एंड गेम पे, सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। मैं मिलता हूँ गाइस आपको अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सी यू सून एंड कीप हेल्दी एंड कीप ग्रोइंग एंड साइनिंग आउट रॉयल फैमिली। जवाना जाता साडा रुतबा ही देख वैरी सीना सरदा बाबा बिना ही तलावा जाता गुड्डी जा।